देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको एक खास बात बताने वाले हैं। हिंदू धर्म में अक्सर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को एक साथ पढ़ा और लिखा जाता है, लेकिन क्या आप इन दोनों का अर्थ जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों का गणपति बप्पा से क्या संबंध है? कई लोग ये बात नहीं जानते कि रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ केवल ये शब्द ही नहीं बल्कि गणपति बप्पा के परिवार वाले हैं। पर कैसे? तो चलिए आज की गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो में जानते हैं कि रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ कौन है और हिंदू धर्म में इनका क्या महत्व है। इसके लिए लोकलिटी ने काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, रिद्धि सिद्धि जो है ये गणेश जी की दो पत्नियां हैं और इनका विशेष महत्व है। सबसे बड़ी बात है कि रिद्धि जो है भौतिक सफलता की देवी है, बुद्धि की विवेक की देवी है। बुद्धि और विवेक हमारा इससे खुलता है रिद्धि के द्वारा। सिद्धि जो है भौतिक सफलता धन धान्य को बढ़ाने वाली देवी है। इन्हीं के लड़के शुभ और लाभ है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं और शुभ लाभ उनके बेटे। पर क्या आप ये जानते हैं कि उनकी पूजा करने से कैसा लाभ मिलता है? अगर नहीं तो आपको ये भी बता देते हैं। इनकी पूजा करने से गणेश जी के साथ जो है रिद्धि की पूजा करने से हमको ज्ञान मिलेगा, हमको सरस्वती की प्राप्ति होगी। गणेश जी के साथ सिद्धि की पूजा करने से हमको धन धान्य प्राप्त होगा, शुभता प्राप्त होगी। और इनके पुत्र शुभ और लाभ हैं, वो शुभता भी देंगे लाभ भी देंगे और जीवन में आने वाली समस्याओं और कष्ट को दूर करके हमको जो एक नया जीवन देते हैं। इसलिए रिद्धि और सिद्धि दोनों पत्नियों की पूजा गणेश जी के साथ करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि हिंदू धर्म में शुभ लाभ का इतना महत्व क्यों है और रिद्धि सिद्धि की पूजा करने से क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।